हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूँ आप लोगों का इंडियन बुलेटर आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये इंडिया पोस्ट वाला पैकेज जर्मनी से आया है ये जो पैकेज है हमारा थर्ड ऑर्डर है फ्रॉम orinum.de डॉट हमारा थर्ड पैकेज आ गया है लेकिन कस्टम्स ड्यूटी लगी है तो आज हम अनबॉक्स करेंगे एंड जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके अंदर जो एक कॉइन होगा उन दो में से वो गाइगर ने बनाया या फिर यहाँ पर जो आप एलईवी देखेंगे उस कंपनी ने बनाया तो हम उस रेफरेंस देने के लिए हमने ये रखा हुआ है और साथ साथ आप एक तरीके से इसका स्टेटस देख सकते हो कि कैसे टानिश कर कर गया है ये अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी जब हमने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी तो कैसे ये बिल्कुल गोल्डिश कलर का था बिल्कुल कॉपरिश और आप देखो कैसे इसमें मोटी मोटी लाइनें आ गई हैं तो या ये एक स्टेटस अपडेट हो गया एक तरीके से तो ये ऑर्डर हमने प्लेस किया था थर्ड ऑफ सप्टेम्बर को एंड डिलीवरी मिली थी ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेम्बर को जर्मनी से इंडिया इन नाइनटीन डेज जो ऑर्डर का वैल्यू था हमारा इसका दैट वॉज सिक्सटी एट पॉइंट सेवन फाइव यूरोज यानी कि फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी फाइव रुपीज़ अब इस पर कितनी कस्टम्स ड्यूटी लग गई इसको डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर आप ये इंडिया पोस्ट की ही रिसिप्ट देखोगे इसपे बी सी डी प्लस एस यानी कि बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगी है फोर फोर्टी रुपीज़ की आई जी एस टी लगा है ट्वेल्व फोर्टी थ्री रुपीज़ का और पोस्टल फी लगी है हंड्रेड रुपीज़ की तो टोटल हमें पड़ गया है इसपे सेवनटीन एटी थ्री रुपीज़ की कस्टम्स ड्यूटी तो इसका मतलब है हमने फाइव सेवन एट फाइव पे किया उसके ऊपर हमने ये पे किया तो ओवरऑल हो गया हमारा ये थर्टी वन परसेंट के आसपास हमें ड्यूटी लग गई है अप्रॉक्सिमेटली अगर हम परचेज प्राइस के हिसाब से सोचें तो क्या ये सौदा मुझे महंगा पड़ गया डेफिनेटली मुझे सौदा महंगा पड़ गया लेकिन इट्स ओके समाइम्स गुड थिंग्स कम एट अ वेरी हाई प्राइस सो वी है लग रहा है

ये जो है दो कॉइंस आए हैं इस बार एक जो है हमारा नोआज आक है और एक हमारा है बाउंटी कॉइन तो बाउंटी कॉइन जा रहा है साइड में इसको हम करेंगे रिव्यू बाद में अगर उसका वीडियो जल्दी चाहते हैं तो जल्दी से कॉमेंट कर देना आज की वीडियो के लिए हम रिव्यू करने वाले हैं नोवाज आक सबसे पहले हम प्राइस का फंडा क्लियर कर लेते हैं सिंस हमें ये पैकेज ओवरऑल पड़ा है अराउंड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी एट रुपीज़ का तो दो कॉइन से तो डिवाइड करेंगे दो से तो ये एक कॉइन हमें पड़ रहा है थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी फोर रुपीज़ का एंड डिवाइड करोगे अगर आप उसे वन आउंस से जो इसका वेट है थर्टी वन पॉइंट वन जीरो तो ये पड़ रहा है वन ट्वेंटी वन रुपीज़ पर ग्राम अगर बाई चांस नहीं लगती तो ये नाइन्टी टू रुपीज पर ग्राम पड़ता सिर्फ काफी बड़ा डेंट पड़ गया है लेकिन इट्स ऑल राइट ये इतनी ब्यूटी के लिए तो एक एक्स्ट्रा खर्च करना ही पड़ेगा आई गैस दूसरी बात ये है इस कॉइन के साथ कैप्सूल जो है आपको नहीं मिलता है ये कैप्सूल हमने अलग से खरीदा है जो था अराउंड फोर्टी टू यूरोपियन सेंट्स का यानी कि थर्टी फाइव रुपीज और ये कॉइन की अगर हम इंडिविजुअल की प्राइसिंग की बात करें तो दिस वाज अराउंड 25.87 यूरोस यूरोज़ लेकिन उसके ऊपर जो है टैक्स या शिपिंग चार्जेस और सब कुछ मिला के आपको पता ही है प्राइस काफ़ी बढ़ गया था तो अगर आपको भी ऑरनम से इसका कैप्सूल खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और साथ साथ इनकी वेबसाइट पे ऑरमम की वेबसाइट पे कैप्सूल के साथ लिखा भी होता है कि कौन से कौन से कॉइन इसमें फिट हो जाते हैं तो उसको देखकर मैंने ऑर्डर कर लिया था इस कॉइन और दूसरे कॉइन के लिए कॉइन को निकाल दिया इसके कैप्सूल में से और अगर आप लेवल ऑफ डिटेलिंग या फिर इस कॉइन की जो शाइन देखेंगे इट इज ऑन अनदर लेवल ये जो हमने कॉइन लिया है इसका नाम है आर्मेनियन नवाज आक यानी कि ये कंट्री आर्मेनिया से आया है ये कंट्री लोकेटेड है यूरोप और एशिया के बॉर्डर के बीच में तो इस एरिया को हम सदर्न कॉकस भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि आर्मेनिया जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल नेशन है आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवान अब हम कॉइन का सारा डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर एक लैंग्वेज में कुछ दिख रहा है ये जो आप लैंग्वेज देख रहे हो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है आर्मेनिया की दैट इज आर्मेनियन नीचे आपको इंग्लिश में दिखेगा रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया

वो प्रोड्यूस करते हैं राइट right साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको वन ऑस यानी कि 31.10 ग्राम का ये कॉइन है और उसके नीचे इसकी प्योरिटी और फाइननेस ए जी सिल्वर ट्रिपल नाइन फाइननेस का ये कॉइन है और नीचे आपको दिखेगा एक वैल्यू दैट इज द फेस वैल्यू यानी कि इस कॉइन को लीगल टेंडर मिला हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ आर्मीनिया से और जो ये नंबर है ये है फाइव हंड्रेड ड्राम ड्राम इनकी करेंसी है जो आर्मीनियन लैंग्वेज में भी यहाँ पे लिखा हुआ है फाइव हंड्रेड ग्राम इज इक्व टू वन हंड्रेड और सबसे नीचे आपको दिखेगा 2022 यानी कि ईयर ऑफ मिंटिंग या ईयर ऑफ इशू डिजाइन की अगर हम बात करेंगे तो देखो शाइनी तो बहुत क्रेजिली है ये और यहाँ से कोट ऑफ आर्म्स बना हुआ है काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है लेफ्ट साइड में आपको थोड़ा व्हाइट स्पॉटिंग दिखेगी दैट इज योर मिल्क स्पॉटिंग जो कि हमने जैसे पहले बात करी थी ट्रिपल एंड फाइनेंस के सिल्वर में काफी ज्यादा हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये थोड़ा क्वालिटी इशू भी कह सकते हैं या फिर एयर के कॉन्टेक्ट में कॉइन रहा होगा डीलर के पास या फिर जहां ये मिंट हुआ होगा कॉइन का बॉर्डर आप देख सकते हो फ्रॉस्टेड सिल्वर से बना है एक इनर रिंग भी बनी हुई है और यहाँ पर दो डॉट्स बने हुए हैं एज सच जो है अभी तक हमें कोई सिक्योरिटी फीचर इस कॉइन में नहीं दिखा है कॉइन के अगर आप एजेस देखेंगे तो इनमें लाइंस लगी हुई हैं इसका मतलब है कि ये रीडेड एजेस वाला कॉइन है काफी शाइनी है और इरेगुलर नहीं है इससे पहले कि मैं आप लोगों को नोआज आग की स्टोरी के बारे में बताऊं एक बार देख लेते हैं कि इस कॉइन के साइड पे क्या क्या है यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिखेगी एक बर्ड ये जो बर्ड है ये है डव ये फ्रॉस्टेड सिल्वर से बन रखी है इसमें और बर्ड के मुंह में एक ब्रांच है जो कि एक ऑलिव ब्रांच है फिर यहाँ पर आपको पीछे पानी दिखेगा जिसके ऊपर आपको शिप जैसा कुछ दिख रहा है एंड बैकग्राउंड में आपको दिखेगा माउंटेन ये जो है ये माउंट अरारात और सबसे पीछे आपको सन दिख रहा है जो राइज़ कर रहा है और उसकी रेस जो हैं काफी ब्यूटीफुली इसमें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो डिजाइन जो है वाओ इट्स इट्स जो टोटली अमेजिंग शाइन भी बहुत ही क्रेजी है अब हम बात कर लेते हैं स्टोरी के बारे में ये जो नोआज़ आर्क की स्टोरी है एक बाइबिलिकल स्टोरी है जो कि रिलेटेड है जेनेसिस फ्लड नैरेटिव से इसमें ऐसा कहा जाता है कि गॉड जो है बहुत परेशान हो गए थे अर्थ और उनके लोगों से स्पीशीज से जो जो एग्जिस्ट करते हैं वो कहते हैं लोगों ने बहुत गलत काम करे हैं बहुत जो है सिन सिन वाले लोग हैं सारे वो चाहते हैं कि एक तरीके से क्लेंस करा जाए यानी कि क्लीन कर दें साफ कर दें और रिस्टार्ट करा जाए इससे तो उससे पहले क्या हुआ गॉड ने नोआ एक इंसान था एक बंदा था उसे कमांड दिया कि आप एक आर्क बनाओ आर्क बेसिकली एक शिप होती है एक शिप बनाओ और उसमें आपने क्या करना है आपने अपने आप को अपनी वाइफ को अपने उनके जो तीन लड़के हैं तीन सन हैं उन्हें और उनकी जो वाइफ्स हैं उन सबको बोर्ड कराना है उन सबको बिठाना है उसमें और उसके साथ साथ जो जो जिंदा बर्ड्स और एनिमल्स उनको दिख रहे हैं सबका एक एक मेल और एक एक फीमेल स्पीशीज को लेके जाना है सबको उस शिप में बोर्ड करना है तो अपेरेंटली ऐसा कहा जाता है कि वो जो शिप है वो बहुत ही ह्यूज बनाई थी उसमें काफी लेवल्स थे ये स्टोरी ट्रू है कि नहीं हमें नहीं पता है मुझे नहीं पता है अगर आप इस पर बिलीव करते हैं द नो प्रॉब्लम एट ऑल फिर क्या हुआ जैसे ही शिप को पानी में उतारा उसी समय जो है कॉन्टिन्यूसली बारिश शुरू हो गई बहुत दिनों तक बारिश हुई इतनी बारिश हुई कि फ्लड आ गया और इसके वजह से दुनिया में सब मर गए एक्सेप्ट जो जो लोग और जो जो एनिमल्स और बर्ड्स इस नोआ के आर्क में थे जब बारिश कम होनी शुरू हुई वाटर लेवल थोड़ा नीचे आया तब तक ये जो शिप थी ये माउंट अरारात के पास आ गई थी लेकिन इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि क्या हम लोग आ, लैंड के पास है कि नहीं नोआ ने क्या किया उसने एक डव जो है डव को छोड़ दिया ये डव जो है उसने अपने इस आर्क यानी कि शिप से उसे छोड़ दिया और इसने ये देखना था कि क्या ये जो डव है ये वापस आएगा या नहीं आएगा अगर ये कहीं चला जाएगा तो नोआ को यह लगता कि मे बी कोई लैंड सर्विस आ गया है जहां पर ये जाके बैठ गया या बस गया और अगर वापस आ जाता है तो इसका मतलब है वहां कुछ भी नहीं है उसको वापस यहीं पर आना पड़ गया शिप में तो वो पहली बार जब डव इन्होंने भेजा था तो वो खाली हाथ वापस आ गया यानी कि कोई सक्सेस नहीं था फिर कुछ टाइम बाद नोआ ने फिर से डब को भेजा और जब ये डव वापस आया तो ये ऑलिव का ब्रांच वापस लेकर आया इसका मतलब है कि हैबिटेट है लैंड मिल गया है ग्रीनरी आ चुकी है एक रीसेट यानी कि रिसिंग हो चुकी है गॉड ने इसके बाद नोआ को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आप शिप में जो जो हैं सबको डिबोर्ड करो सबको उतारो और दुनिया को फिर से रिपोपलेट करो बिकॉज अपेरेंटली वही जिंदा है अब उसके अलावा कोई नहीं बचा है क्योंकि अब दुनिया हो गई है सिंह फ्री तो गॉड ने इसके बदले में नोआ को एक वादा कर दिया कि अब मैं कभी भी दुनिया में ऐसी डिस्ट्रक्शन नहीं करूंगा ये जो स्टोरी आपने मेरे से अभी सुनी है ये काफी सारे यू नो होली बुक्स में है जैसे कि एक आपका हिब्रू बाइबल होगी जिसे बुक ऑफ जेनेसिस कहा जाता है फिर कुरान होगी और उसके अलावा बहाई राइटिंग्स में ऐसे ऐसे जो है बुक्स में मेंशन कर रखा है ऐस कोई प्रूफ नहीं है इन चीजों का साइंस ने तो कुछ ऐसा नहीं बोला है कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है लेकिन सब सबका अलग अलग मानने का तरीका है तो इसीलिए हम कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं कह सकते हैं लेकिन अगर हम इस स्टोरी को बोलें कि ये सच है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड करती है मैंने पर्सनली नोआज आग की जो स्टोरी है एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है मैनिफेस्ट उस पर उसका रेफरेंस पढ़ा था और उसके बाद मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जगा एंड आई वॉन्टेड टू लर्न मोर तो सिमिलरली मैंने आपको उसका थोड़ा सा पार्ट्स बताया है डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ उसमें है आप खुद पढ़ सकते हैं अगर आपको ये स्टोरी जो है थोड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी इस कॉइन को जिसने डिजाइन किया है उसका नाम है एडवर्ड कोरिंगियन और इस कॉइन की जो मिंटेज है वो है लाखों में जैसे कि आप अपने सामने देख सकते हैं जो कॉइन की आप कंडीशन देख रहे हैं ये है बी यू यानी कि ब्रिलियंट अनसर्क्यूलेटेड एंड ये ज्यादा पुराना कॉइन नहीं है सच बिकॉज जो पहला नवाज आग का कॉइन बना था जो मार्केट में आया था वो 2011 में आया था यानी कि आज से 11 साल पहले लेकिन मैं अगर डिनोमिनेशन की बात करूं तो सिल्वर में इन लोगों ने वन फोर्थ ऑफ एनाउंस हाफ वन फाइव और टेन आउंसेस में ये coins निकाले थे और इसके अलावा जो थोड़े सीरियस इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए वन किलोग्राम और फाइव किलोग्राम में भी ये सिल्वर निकाले थे सिमिलरली 2020 में इन्होंने गोल्ड के भी वेरिएंट्स निकाले जो की वन फोर्थ आउंस हाफ आउंस और वन आउंस में निकाला था और उसके अलावा वन ग्राम में भी एक गोल्ड कॉइन निकाला चलिए देख लेते हैं इस कॉइन का कितना वेट आता है ओ 31.28 ये तो थर्टी वन 31.10 ग्राम होना चाहिए तो एक और बार इसको पॉइंट करके देख लेते हैं कि क्या सही वेट आता है ओ वी आर गेटिंग काफी ज्यादा पॉजिटिव वेट टॉलरेंस सो दिस इज वन ऑफ द यू नो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट इंटरनेशनल बुलियन जैसे मैंने बोला वेट टॉलरेंस तो सच कोई मैंशन नहीं करता इनमें से लेकिन फिर भी विदाउट से दे आर प्रोवाइडिंग मोर मेटल टू अस अमेजिंग तो इसी के साथ साथ आज की वीडियो भी यहाँ पे हम एंड करते हैं और ये वन आउंस का बहुत ही ब्यूटिफुल सिल्वर कॉइन को अपने इंटरनेशनल स्टैक में डाल देते हैं अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें अपने थॉट्स शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और बेलाइकिन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशन के लिए सो इन दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग